वारिस पठान को पुलिस द्वारा डिटेन करने के बाद छोड़ा गया सभी कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके से दहाड़े वारिस पठान, देखिए ये वीडियो। आज 19 तारीख है, मैंने बोला था मीरा रोड आऊंगा, आया। क्या आप मुंब्रा में प्रॉपर्टी देख रहे हो? तो मैं आपको यहाँ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK चाहे शॉप ले सकते हो। फिलहाल हमारा जो लोकेशन है वो शील थाना की तरफ है। यहाँ से आपको कटाईनगर का एरोली ब्रिज हो गया, या आपको मेट्रो स्टेशन हो गया, या आपका बुलेट ट्रेन स्टेशन हो गया, सारी चीज़ें आपको वॉकिंग डिस्टेंस से मिल जाएगी। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज और आपके एमिनिटीज के स्विमिंग पूल तक यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे ऑफर डिस्काउंट बहुत अच्छे चल रहे, 10% डाउन पेमेंट एंड 90% आपको लोन तक फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें, और अगर कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से उन्होंने एक घोषणा की थी कि 19 तारीख को MBBV कमिश्नर एड पर जा करके एक लेटर देंगे और उसी के बाद उन्हें दहिसर चेक नाके से हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा उन्हें छोड़ दिया गया और उसके बाद तमाम कार्यकर्ता अभी फिलहाल जो है वो अपने अपनी जगह पर है। लेकिन वारिस पठान ने किस तरीके से दहाड़ लगाते हुए कहा कि मैंने 19 तारीख को घोषणा की थी और मैं अपने जुमले के मुताबिक आया और यहाँ पर आ करके अपनी उपस्थिति दिखाया। आप देखिए वारिस पठान ने किस तरीके से दहाड़ लगाई। सर क्या मुझे अरेस्ट कर लिया, मुझे मीरा रोड जाने नहीं। वारिस भाई आगे बढ़ो, वारिस भाई आगे बढ़ो, पीछे वारिस भाई आगे बढ़ो, वारिस भाई आगे बढ़ो, वारिस भाई आगे बढ़ो, तुम्हारे सामने करने दीजिए। आप सर कहाँ जा रहे साहब, कहाँ जा रहे आपकी जरूरत पड़ेगी सर, ले लो ना। वारिस आगे बढ़ो, तुम्हारे कंफर्म तो कर दो, लीडर है हमारा, कंफर्म कर दो। साहब बैठे, हाँ साहब से ही बात कर रहा हूँ, मैं साहब से ही बात कर रहा हूँ। थोड़ा पीछे वारिस पठान आगे बढ़ो, असद साहब आगे बढ़ो, इंतिया जलील आगे बढ़ो, गफ्फार कादरी आगे बढ़ो, फयाज अहमद आगे बढ़ो। आज 19 तारीख है, मैंने बोला था मीरा रोड आऊंगा, आया। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नए न्यूज़ के साथ।